2016 में हुए जाट आंदोलन में हुई तोड़फोड़ में शामिल हुई युवकों की जांच करने एसआईटी टीम रोहतक पहुंची और अर्बन स्टेट थाने में जाट आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ और आगजनी के दौरान सीसीटीवी कैमरे की वीडियो में नजर आए। गांव के 11 युवकों से पूछताछ करने पहुंची एसआईटी टीम ने 6 युवकों से पूछताछ की। इस दौरान गांव बहर की सैकड़ों महिलाएं व पुरुष आरोपी युवकों के समर्थन में युवकों के साथ अर्बन स्टेट थाने पहुंचे और युवकों को बेकसूर बताया। मैं वहाँ पर ये अनुक्रमण जा रहा था जी, वहाँ पर तो वहाँ पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही थी वहाँ पर जी, तो मुझे पता लगा वहाँ गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। हमारे बुढ़े आदमी ना जी जिम्मेवार लगा रखी थी, कमेटी बना रखी थी, कोई भी तोड़फोड़ होगा तो वहाँ उसको रोकना है, तो मैं वहाँ रोकने के लिए जा रहा था जी। मेरी वहाँ पर पूरे जा रही है जी, और बाकी एसआईटी के पास केस जा रहा है और हमारे पूछताछ के लिए चल रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं हम लग रहे हैं। अपना एड्रेस पूछा ना जी, क्या नाम है, क्या काम करता है, तू वहाँ गया था? हाँ जी गए थे, वहाँ बचाने के लिए गए थे वहाँ पर, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं किया हमने। 2016 में जाट आरक्षण हुआ था, उसमें जो एसआईटी कमेटी बनाई गई थी, उसमें कुछ वीडियो आई हुई है हमारे गाँव के बच्चों की, और वे गाँव के बच्चे गाँव ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि कोई अनहोनी ना हो, और काफ़ी ट्रैफिक जाम हुआ था, उनके लिए खाना और सब व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से बनाई रहे, व्यवस्था के लिए बच्चे किए थे, इसलिए उनकी वीडियो आ गई थी। और अब स्पष्ट हो जाएगा कि वो दिखाई भी दे रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, और सब एक दूसरे को समझा रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले और निर्दोष हैं उनको बार बार तंग ना किया जाए। रोहतक से विकास ओहियान की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।